तो क्लास टेंथ अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस में आप लोगों के 80 में से 80 मार्क्स आ जाएं, तो आप लोगों को चाहिए होंगे 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस और बाकी के 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन दोनों का ही जुगाड़ हम लोगों ने कर दिया है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें से कंफर्म है आप लोगों को उसी में से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस साल अपने बोर्ड एग्जाम में। और रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लास लगाई है, मास्टर क्लास। और उस मास्टर क्लास में टीचर खुद आएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिससे आप लोगों का एक भी मार्क ना कटे और पूरे 80 out of 80 आप लोगों को मिले। उसके लिए करना क्या है, अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर से जाकर के केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आप लोगों को ये दो फोल्डर दिखाई देंगे, एक पे लिखा होगा फ्री मास्टर क्लास इन पीडीएफ, वहां पर आपकी मास्टर क्लास होगी और वो कोर्स बिल्कुल फ्री है। और उसी के नीचे दिख रहा होगा आपको टेस्ट सीरीज, उसमें 5 टेस्ट मिलेंगे, 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे, आप लोग उन टेस्ट को दे सकते हो और ये सब कुछ बिल्कुल एकदम फ्री है। तो सोच क्या रहे हो, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करो, आप लोगों को लिंक दिया हुआ है हमारी ऐप। हेलो एवरीवन, तो भाई सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केल्विन पर। और भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप, वन शॉट, सबके सब हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं। तो जिन लोगों ने भी ये सब चीजें नहीं देखी हैं भाई तुरंत देखें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइंड मैप एक और चैप्टर का, जो चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसका माइंड मैप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे चैप्टर की जो समरी है हमने एक पेज पे आपके सामने लाके रख दी है, ताकि आपको जो है सारी चीजें एकदम से रिकॉल हो जाए। तो जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको सारा आइडिया हो जाएगा चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, और जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है उनको सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाएंगी। तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या क्या इस चैप्टर में दिया था, क्या क्या आपको याद है और क्या क्या यहाँ पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का जो स्टार्टिंग की गई है, पहले आई के स्ट्रक्चर से की गई है। आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है दिखने में, इसमें जो टॉप सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ से लाइट एंटर करती है, लाइट एंटर करने के बाद यहाँ पे जो हमारा होता है एक्वस ह्यूमर भरा होता है, वहां से क्रॉस करते हुए लाइट जाती है आपकी और हिट करती है आपकी प्यूपिल पे, प्यूपिल पे हिट करती है, प्यूपिल पे हिट करने के बाद ये जाती है आई लेंस पे और फिर रेटिना पे जाके गिरती है। अब जो प्यूपिल होता है उसका साइज जो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इरिश होता है, और आपका जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ भी हमें बार बार चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि कभी हमें पास का ऑब्जेक्ट देखना है कभी दूर का देखना है, तो हमें फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती है। वो चेंज होती है आपकी जो सिलरी मसल होती है यहाँ पे, वो उसको खींच के या फिर उसको रिलैक्स करके उसकी फोकल लेंथ को बार बार चेंज करती है, ताकि आई आपकी जो है सारे ऑब्जेक्ट को देख पाए, तो होता है सिलरी मसल। फाइनली लाइट हिट करती है यहाँ पे रेटिना पे, और रेटिना पे जो होती है उसके बाद ये लाइट जो होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है और ये चली जाती है आपके ब्रेन में थ्रू द ऑप्टिक नर्व। तो अलग अलग पार्ट के फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉर्निया क्या करती है, कॉर्निया जो आपका होता है ये आगे वाला पार्ट, ये आपका कंट्रोल करता है एंड फोकस करता है लाइट की जो एंट्री होती है उसको कंट्रोल करता है। प्यूपिल जो होती है वो भी अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो इसके अंदर जारी होती है आपकी आई में, उसको कंट्रोल करती है प्यूपिल। इरिस जो होती है साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है। लेंस जो होता है, लेंस का काम होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है रेटिना पे, रेटिना जो पीछे होता है उस पर रियल और इन्वर्टेड इमेज आपकी पीछे बनती है, ठीक है। उसके बाद सिलरी मसल जो होती है फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है, जो आपका लेंस होता है आई लेंस इसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है। रेटिना जो होता है, रेटिना में कई सारे हमारे सेंसिटिव सेल होते हैं जो कि लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रेटिना का काम होता है यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। और फिर ऑप्टिक नर्व आपकी जो होती है वो सेंड करती है सिग्नल को ब्रेन की तरफ को। तो ये लाइट जो है पूरे का पूरा आई का फंक्शन हुआ। अब कई बार जो है आई में डिफेक्ट आ जाता है, तो आई के कौन कौन से डिफेक्ट हमारे होते हैं। पहला डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब आपको जो है पास की चीजें दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, उनकी जो है आई साइट वीक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, पर्सन कांट सी द फार ऑब्जेक्ट, आप दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। रे कन्वर्जन फ्रंट ऑफ रेटिना, जो रे होती है वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ट होने लगती है, रेटिना है इससे पहले ही यहाँ पे आगे कन्वर्ट होने लगती है, इसमें कन्वर्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है कि आपका तो कर्वेचर ऑफ द आई लेंस काफी ज्यादा हो गया है आपका जो आई लेंस उसका कर्वेचर ज्यादा हो गया, या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आपकी आई बॉल का साइज बढ़ गया, तो रेटिना के आगे ही लाइट कन्वर्ट हो जा रही है, रेटिना पे नहीं गिर रही, आगे कन्वर्ट हो। तो इसका रीजन है। उसको हम मॉडिफाई कैसे करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस। तो हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, लाइट को हम चाहते हैं कि लाइट जो हमारी है वो हमारी पहले कन्वर्ट हो रही है, तो हम कन्वर्ट ना हो डाइवर्ज हो, तो ताकि पीछे जाके कन्वर्ट हो। तो हम लोग ट्राई करते हैं डाइवर्जिंग लेंस लगाने का, तो हम डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉनकेव लेंस यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा डिफेक्ट हमारा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है फार साइटेडनेस, मतलब आपको दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं
दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो तो दिख रहे हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि पर्सन कांट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। आपको किताब पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो ये यूजुअली होता है बड़ी एज में होता है, कम एज में, छोटी एज में नहीं होता है लोगों को, बड़ी एज में जाके हाइपरमेट्रोपिया होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रे आपकी अब बिहाइंड द रेटिना, पीछे कन्वर्ट होने लगती है, यहाँ पे कन्वर्ट होना चाहिए, पीछे कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया इस प्रॉब्लम को। तो रीजन क्या होता है, इसकी फोकल लेंथ ऑफ आई, आपकी जो फोकल लेंथ है काफी ज्यादा हो गई इस आई लेंस की, तो फोकल लेंथ ज्यादा हो गई तो यहां कन्वर्ट करने के बजाय यहां आगे पीछे कन्वर्ट कर रहा है, फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी, या फिर आपकी जो आई बॉल है वही छोटी हो गई। तो क्या हो रहा है कि लेंस तो अपनी जगह पर कन्वर्ट कर रहा है लेकिन आई बॉल का साइज छोटा हो गया, तो अब लाइट जो है आई बॉल के पीछे कन्वर्ट होती हुई हमें लग रही है, तो प्रॉपर हमें लाइट नहीं मिल पा रही है। इसका करेक्शन कैसे होता है, करेक्शन ऐसे होता है कि आपकी लाइट पीछे कन्वर्ज हो रही है, आप चाहते हो पहले कन्वर्ज हो जाए, तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यहां पे हम लोग पहनते हैं, कन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तीसरा डिफेक्ट जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अगर हमें दोनों डिफेक्ट हो जाए तो एक एज के बाद होता है कि दोनों डिफेक्ट भी हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। कॉज क्या होता है इसका, कॉज ये होता है कि हमारी जो सलरी मसल होती हैं जो हमारे फोकल लेंथ को चेंज कर रही थी बार बार, वो वीक हो जाती है, तो ना तो वो पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ एडजस्ट कर पाती है ना दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए, तो दोनों प्रॉब्लम हमें होने लगती है। उसके अलावा जो आपका आई लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम आने लगती है। इसका यूज क्या होता है, इसका रेमेडी कैसे करते हैं हम लोग, करेक्शन कैसे करते हैं, करेक्शन करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं, यानी कि हम दोनों लेंस कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों यूज करते हैं। तो चश्मे में और घर में आपके जो बड़े लोग होंगे उनके चश्मे में दोनों, एक नीचे छोटा वाला लेंस भी लगा होता है, तो दोनों तरह के लेंस हम उसमें यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस हम लोग यूज करते हैं, दो अलग अलग चश्मे हम लोग बना लेते हैं, एक पास के लिए एक दूर के लिए, तो इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद इस चैप्टर में प्रिज्म के बारे में डिस्कस किया गया है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म हमारा ट्राइंगुलर प्रिज्म अगर हम बात करें तो हमारा होता है दो ट्राइंगल बेस होते हैं उसमें, और जो है फ्लैट सरफेस, तीन हमारे फ्लैट सरफेस उसमें होते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म। इस टाइप का हमें दिखता है, इसमें हमारा रिफ्रेक्शन होता है। जब प्रिज्म में हमारा रिफ्रेक्शन होगा तो क्या होगा, इंसिडेंट, ये वाली जो रे होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। फिर ये रे यहाँ पे रिफ्रेक्ट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, रे आगे गई फिर यहाँ से बाहर निकली, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस ई बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये भी कई बार प्लॉट करने को आता है कि बताओ एंगल ऑफ आई कौन सा है, ई कौन सा है, तो ये आई है, ये ई है, ये आर है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। उसके अलावा ये अगर हम देखें तो ये हमारा जो रे आ रही है और जो रे आगे जा रही है इनमें जो एंगल होता है, मतलब पहले रे इधर को जा रही थी अब इधर को जाने लगी, तो ये जो रे आपकी जो है इधर को जाते जाते इधर को घूम गई, तो जितना ये घूमी है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो इंसिडेंट रे है और जो रे जा रही है इनके बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को। उसके अलावा एक और एंगल होता है जो इसको, ये जो टॉप वाला एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इसको भी कई बार हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जो टॉप वाला एंगल होता है जो प्रिज्म का दो सरफेस आपस में बना रहे हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सारे एंगल आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल कौन सा है, क्योंकि प्लॉट करने को आता है कई बार, ठीक है जी। तो ये हो गया, अब बात करते हैं डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन हमारा होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सेवन कलर। तो प्रिज्म से जब लाइट पास होती है सात कलर में डिवाइड भी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सेवन कलर को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो प्रिज्म से जब लाइट जाती है तो सेवन कलर में डिवाइड हो जाती है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे वायलेट कलर, सबसे ऊपर रेड कलर, तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है, सबसे ज्यादा अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, रेड कलर सबसे कम होता है। तो मैक्सिमम डेविएशन वायलेट में होता है, मिनिमम डेविएशन हमारा रेड में होता है। और अगर हम एक और प्रिज्म लगा दें इसके बाद उल्टा करके, तो ये दोबारा जो लाइट है सेवन कलर में के दोबारा व्हाइट लाइट आपको दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द लाइट। तो हम रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं अगर हम उल्टा प्रिज्म यहाँ पे लगा दें, तो रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अच्छा, ये जो कलर का स्प्लिटिंग हुआ ये रेनबो में भी होता है। आपने देखा इंद्रधनुष जब बनता है तो वहाँ पे सात कलर बन जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो लाइट आ रही होती है सनलाइट वो इस पे गिरती है, जो आपकी ड्रॉप्स होती हैं जब बारिश के बाद कई सारी वाटर ड्रॉप जो एटमोसफेयर में रह जाती है, तो उनमें जब लाइट गिरती है तो क्या होता है, लाइट गिरने के बाद रिफ्रेक्शन करती है, रिफ्रेक्शन शो कर और डिस्पर्जन भी शो करेगी, दोनों चीजें शो करेगी। तो लाइट यहाँ पे डिस्पर्जन शो किया, उसके बाद ये सामने जो है सामने वाले सरफेस से टकरा के इंटरनल रिफ्रेक्शन शो करती है, वापस आ जाती है टकराने के बाद, और फिर जाके यहाँ पे हिट करती है दूसरे सरफेस पे, और फिर और ज्यादा डिस्पर्जन शो करती है। तो ये लाइट जो व्हाइट लाइट थी वो ब्रेक होते होते जो है सातों कलर में ब्रेक हो जाती है, तो आपको पूरा इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, रेनबो आपको दिखाई देता है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंद्रधनुष जब भी है या रेनबो जो भी बनता है हमेशा सन से अपोजिट बनता है, क्योंकि लाइट जो आ रही है, मान लो सन पीछे है आपके, तो पहले लाइट वो ड्रॉप पे गिरेगी और ड्रॉप से फिर इंटरनल इफेक्ट होकर आप पे आएगी, लाइट ऐसे आई और फिर आपकी तरफ आई। तो इंद्रधनुष हमेशा सूरज से उल्टी डायरेक्शन में बनेगा, सूरज अगर पश्चिम में है शाम के टाइम पे तो आपको इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देगा, और सुबह की टाइम अगर सूरज आपका पूरब में है तो इंद्रधनुष आपको
पश्चिम में दिखाई देगा, तो ध्यान रखिएगा अपोजिट बनता है। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ बात किया गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, जो हमारी लेयर है एयर की, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। तो जब लाइट हमारी एंटर करती है स्पेस से, मान लो किसी स्टार से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, तो अलग अलग उससे पार कर रही है वो, जो अलग अलग लेयर है सबकी डेंसिटी अलग अलग है। तो रे क्या होती है हमारी, हमारी रे जो होती है वो बेंड करती जाती है, रिफ्रैक्ट करती जाती है, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हमें कहाँ दिखाई देता है? एक तो हमें स्टार की जो पोजीशन होती है थोड़ा ऊंची दिखाई देती है, मतलब स्टार जहां पे है उसे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है रिफ्रैक्शन के कारण। दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार हमारे ट्विंकल करते हैं, हमें दिखाई देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, इसका आपको रीजन पता होना चाहिए, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, तो इसका रीजन हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन है। उसके बाद फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क, जो सन की डिस्क होती है आपको थोड़ा सा वो गोल की जगह थोड़ा सा फ्लैट दिखाई देती है, ओवल शेप की दिखाई देती है, ये भी जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। उसके अलावा आपका जो सनराइज होता है वो 2 मिनट पहले आपको सूरज दिखने लगता है एक्चुअल सनराइज से, और 2 मिनट लेट तक आपको सनसेट में सूरज दिखाई देता है। कुल मिला के आपका जो दिन होता है वो 4 मिनट बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भाई आपके दिन को 4 मिनट बड़ा कर देता है ताकि आप ज्यादा मेहनत कर पाए, ठीक है। उसके बाद एक और एप्लीकेशन है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब होता है कि लाइट जब किस आ रही है और अगर उसके रास्ते में कोई पार्टिकल आ गया, डस्ट पार्टिकल या फिर एटम मॉलिक्यूल वाटर ड्रॉपलेट कुछ भी आ गई, तो क्या होता है उससे रे टकराने के बाद जो है अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, उसको बोलते हैं स्कैटर हो जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं उसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये मैक्सिमम जो दिखाई देता है वो वायलेट कलर में होता है और मिनिमम जो होता है वो रेड कलर में होता है। तो वायलेट इंडिगो ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं और रेड वाली जो साइड होती है सबसे कम स्कैटर करती है। इसकी एप्लीकेशन है हमारी ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर कर जाता है, तो आपको पूरा आसमान जो है नीला दिखाई देता है। लेकिन ये स्कैटरिंग केवल एटमॉस्फेयर से दिखाई देगी जब एटमॉस्फेयर में लाइट आएगी, अगर आप एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाएं तो वहां तो स्कैटरिंग हो नहीं रही, कोई पार्टिकल ही नहीं यहाँ पे डस्ट पार्टिकल, तो वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं होती, तो आपको ऊपर जाके जो एटमॉस्फेयर दिखाई देता है आसमान वो काला दिखाई देता है। तो आउटसाइड अगर आप चले जाएं, अपने एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं, तो वहां पे काला दिखाई देता है। उसके बाद डेंजर सिग्नल हमें जो है रेड दिखाई देते हैं, जो हमारे डेंजर के सिग्नल होते हैं हम रेड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि रेड का स्कैटरिंग हमने देखा मिनिमम होता है, तो रेड का स्कैटरिंग मिनिमम है, तो रेड लाइट क्या होगी? स्कैटर नहीं होगी, दूर तक चली जाएगी। ब्लू लाइट क्या होगी? जब आ रही होगी तो स्कैटर होती जाएगी, तो दूर तक नहीं पहुंच पाएगी, पहले स्कैटर हो जाएगी। तो हम लोग इसलिए रेड सिग्नल यूज करते हैं, इसकी एक और एप्लीकेशन है। टिंडल इफेक्ट एक और एप्लीकेशन है कि लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है जब वो कोलाइडल पार्टिकल से पार करती है, तो वो भी एक इसका जो है एप्लीकेशन है। उसके अलावा जब सन सूरज निकलता है और जो डूबता है तो रेड कलर का दिखाई देता है, ये भी स्कैटरिंग के कारण होता है। हालांकि सिलेबस में नहीं है हमारे ये वाला पार्ट, तो ये भी स्कैटरिंग के कारण होता है कि सनराइज पे और सनसेट पे हमें रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन जो सूरज दिन में आपको जो है वो व्हाइट दिखाई देता है, रेड नहीं दिखाई देता, क्योंकि दिन में क्या होता है कि सूरज आपके बहुत पास होता है, तो स्कैट जब वो रे आती है उसको एटमॉस्फेयर में बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। सुबह तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ता है तो ज्यादा स्कैटर हो जाती है, दिन में डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है, स्कैटरिंग कम होती है, तो क्या होता है स्कैटरिंग कम होती है, सारे कलर आप तक पहुंच जाते हैं, तो आपको सूरज जो है व्हाइट कलर का दिखाई देता है ना कि रेड कलर का, लेकिन सुबह आपको रेड कलर का दिखाई देता है। तो भाई इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सारे पॉइंट जो है डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सबको समझ में आए होंगे। वन शॉर्ट इस चैप्टर का देखना ना भूलिएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए वो देखना ना भूलिएगा। तो अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, टेक केयर।